मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और भंते सुमित रतन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी भी 1 बजे से कार्यक्रम शुरू है, 12 बजे से लगभग शुरू हुआ था और 5 बजे तक। आपको दिखाता हूँ कि अभी भी किस तरह से लोग डटे हुए। ये तस्वीर देखिए, पहले तो ये काफिला देखिए और ये बड़ा सम्मेलन जो है वो हो रहा है, और किस तरह से देखिए गाड़ियों का काफिला है और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपत्र जो है वो स्पीच दे रहे हैं, और इस तरह से गाड़ियों का जमावड़ा है। तो ये गोरखपुर में हो रहा है, बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बौद्ध सम्मेलन। देश भर से लोग आए थे, राजेंद्र पाल गौतम भी आए थे, यशवंत बोल रहे हैं जो बाबा साहेब के प्रपौत्र हैं, भंते सुमित रतन इसके आयोजक थे। और ये देखिए तो ये पूरा दिखेगा आपको, और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे तो ताज्जुब है 12 बजे से इतनी गर्मी के बावजूद 12 बजे से जनता की ये तस्वीरें देखिए, और अभी भी लोग डटे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इतनी गर्मी के बाद भी समाज के लीडर कहाँ आए सोचने की बात। ये देखिए यशवंत राय चौहान जो है वो भाषण, 12 बजे से लोग थे और अभी भी लोग जमे हुए हैं। सोचिए कुर्सियां अब खाली हुई है आधा, ये शाम के 5 बज रहे हैं और 12 बजे धूप करीब, उसके बाद भी लोग जमे हुए। और मैं मंच की तरफ जा रहा हूँ, इस सकते हैं कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, गर्मी थी, उसके बावजूद भी लोग अभी भी डटे हुए। ये देखिए तस्वीरें देखिए, वही विचारधारा के लोग आज सत्ते में है, स्टेट में है, केंद्र में है। तो हम लोग दोबारा आए हैं और कितनी भीड़ है यार, सभी धोखे बाबा साहब ने हमें बता के बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कोई काम बाबा साहब अधूरा करके नहीं गए। रिवोल्यूशन एंड एंटी रिवोल्यूशन बाबा साहब ने बोला, जब क्रांति होती है एक जगह क्रांति होती है। ये देखिए नीरज पटेल भी आए हुए हैं, दूसरे बाजू में प्रतिक्रांति हो रही है और क्रांति को दबाने के लिए। तो देखिए नीरज पटेल भी हैं, आप दिखा रहा हूँ देखिए, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो बाबा साहब के कारण हमें सब कुछ मिल गया, जिनको जिनको मिल गया वो घर में बैठे हैं, अभी रोड में आने के लिए तैयार होना जरूरी मैं समझता हूँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, और किस तरह से हमें हमारा विचार नहीं तो समाज का विचार करना जरूरी है। बाबा साहब ने धोखा दिया था, मेरा खाना आगे लेके जाओ। 12 बजे से कार्यक्रम है, उसके बाद भी लोग डटे हुए हैं, 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो गोरखपुर में ये बता रहा था मैं आपको, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।